हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एच प्रिया भोजक चैनल। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज का दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा और आराधना की जाती है। दुर्गा पूजा का त्यौहार वर्ष में दो बार आता है। अभी अश्विन मास की नवरात्रि चल रही है। माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए सभी मनुष्य, देवतागण और राक्षस सभी लालायित रहते हैं। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। उनका वाहन वृषभ है। वे वृषभ पर विराजमान होती है। नवरात्र के पहले दिन पर मूलाधार चक्र को जागृत करना होता है। योग और साधना से आप इसे जागृत कर सकते हैं। उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। वे प्रकृति का स्वरूप भी मानी जाती है। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ और मंगलकारी होता है। तो आज के दिन हमें माँ शैलपुत्री का पूर्ण रूप से ध्यान करना चाहिए और इन दिनों हमें चंडी पाठ यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज़ जितने अध्याय हो सके उतने करने चाहिए और इन 9 दिनों में वे पाठ हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। इस दिन माँ को घी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन की पूजा करने से रोगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है।